इसको देखते ही रहा ना जाए, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसजी फूड वर्ल्ड में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए जलेबी की रेसिपी। अब क्रिस्पी चाशनीदार जलेबी आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल हलवाइयों जैसी। आहा, इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार रेसिपी है ये। आप सोचेंगे कि मैंने ट्राई क्यों नहीं किया इसे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को और देखेंगे ये बिल्कुल हलवाइयों जैसी बनेगी और घर पे बहुत आसानी से बन जाएगी। ये देखिए, एकदम रसीली, रस से भरी हुई, बाजार जैसी, हलवाइयों जैसी टेस्टी क्रिस्पी जलेबी घर पे आसानी से बनाएं। इस रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आइए दोस्तों एसजी फूड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस के लिए। सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, पैन में डालेंगे आधा कप पानी यानी कि 100 ml, साथ ही ऐड करेंगे 1 कप चीनी 200 ml। अच्छे से स्टर कर लेंगे। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चाशनी घुल जाएगी तो उसके अंदर ऐड करेंगे कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर 1/4 teaspoon। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और जलेबी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसी वक्त आप ऐड कर दीजिए 4-5 केसर के स्ट्रैंड। इस समय आप ऐड कर सकते हैं फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे ऑरेंज रेड कलर डाला है, इसमें से जलेबी का कलर बहुत अच्छा होता है जैसे हलवाइयों वाला। फूड कलर आपको बिल्कुल चुटकी भर डालना है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चाशनी बिल्कुल रेडी ही होने वाली है। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। ध्यान रखें, आप चाशनी को उंगलियों के बीच में रख के चेक कर सकते हैं। अगर एक तार की चाशनी बन रही है तो मतलब बिल्कुल रेडी है ये। अब तैयारी कर लेते हैं जलेबी के बैटर के लिए। एक बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1/2 cup मैदा यानी कि 100 ग्राम। इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon घी और हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। इससे जो जलेबी है हमारी खस्ता बनेगी, क्रिस्पी रहेगी। अब इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार हो जाए। पानी लगभग हमने 1/2 cup लिया है यहाँ पर एक बारी में ऐड नहीं करना, नहीं तो ये गुठलियाँ पड़ जाएंगी इसमें यानी कि लम्स बन जाएंगे। देखिए कितना फ्लोई बैटर है, बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको तैयार करना है इसका बैटर। जब ये बैटर अच्छे से तैयार हो जाए यानी कि बहुत अच्छे से विस्क करना है इसको, उसके बाद इसमें ऐड करना है फूड कलर। मैंने यहाँ पे येलो, लेमन येलो कलर लिया है, आप कोई और कलर भी ले सकते हैं। अब ये इंस्टेंट जलेबी 10 मिनट में तैयार होने वाली जलेबी बनाने के लिए इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डलेगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 1/2 teaspoon इनो फ्रूट सॉल्ट। इसको डालते ही बहुत अच्छे से विस्क करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। जब ये अच्छे से विस्क हो जाए तो इसको ढक के रख देंगे। अब हम बनाएंगे जलेबी। जलेबी बनाने के लिए या तो आप इस पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है, या आपके घर में दूध का पैकेट आता ही है उसको धो के रख सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं कोन बनाने के लिए, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये सस्ती केचप बॉटल का जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है, या फिर कोई पेप्सी की बॉटल जैसे कि ये मैं दिखा रही हूँ आपको, छोटी बॉटल्स आती हैं, इसमें आप एक छेद कर सकते हैं इसके ढक्कन में और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जलेबी बनाने में। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये दूध के पैकेट का जो कि मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है, तो इसी से बनाएंगे आज हम जलेबी। एक गिलास लेंगे और उसमें ये पैकेट डाल के अच्छे से फैला लेंगे और उसमें डालेंगे ये बैटर, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है। इस पैकेट में आप बैटर डाल के इसको कोन की तरह शेप दे के रबड़ लगा देंगे। अब एक पैन में मैं घी गरम कर रही हूँ, आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और वनस्पति भी, पर जो देसी घी में जलेबी का टेस्ट आता है वो बिल्कुल लाजवाब होता है। घी बिल्कुल मीडियम गरम होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गरम और ना ही ज़्यादा ठंडा। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे गरम कर लेंगे। ये तकरीबन मैंने 250 ml लिया है। घी बिल्कुल मीडियम हॉट गरम हो चुका है।
अब कोन को बिल्कुल साइड कॉर्नर से कट कर देंगे। अब फ्लेम को लो कर देंगे और धीरे धीरे राउंड राउंड जलेबियाँ अच्छे से बनाते जाएंगे। हो सकता है कि पहली बारी में आपकी जलेबी बिल्कुल परफेक्ट ना आए, पर सेकंड टाइम जब आप जलेबी बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी? टोंग की मदद से आप इस जलेबी को पलट दें ताकि दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए। तो कितनी इजी है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसानी से आप घर पर हलवाइयों जैसी जलेबी बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ इस रेसिपी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब आप जलेबी बनाएं तो घी बिल्कुल मीडियम हॉट होना चाहिए, ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए। जलेबी का साइज़ आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बन रही है ये जलेबी। जब जलेबी अच्छे से सिक जाए तो जो चाशनी हमने बना के रखी थी उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि वो वॉर्म हो, और उसमें एक एक करके इसको ऐड करते जाएंगे। ज़्यादा देर के लिए नहीं भिगोना है हमें, सिर्फ आधा मिनट के लिए, ताकि चाशनी अच्छे से जलेबी में रस जाए और हमारी जलेबी मज़ेदार और चाशनीदार बने। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्प बनी है, है ना क्रिस्प। आधा मिनट बाद जलेबियों को चाशनी में से निकाल लेंगे। बिल्कुल तैयार है हमारी जलेबी। जलेबी को घर पर बनाइए और सहपरिवार खाइए। इस टेस्टी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपने सजेशंस एंड कमेंट्स। मिलूंगी ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।